शिक्षक मनोज राय को श्रीधर बाबा कॉलेज के भवन में दिया गया श्रद्धांजलि। बताते चले कि भेल्दी थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय पटरानी खुर्द जो की भेल्दी बाजार पर स्थित है, इस विद्यालय में कार्यरत शिक्षक मनोज राय की अचानक तबीयत खराब होने से पटना किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जबकि वह एक कुशल शिक्षक साथ ही एक वक्ता एवं सोशल वर्कर के रूप में भी जनता के बीच अपनी छाप छोड़ गए। उनके द्वारा शिक्षकों की हक की लड़ाई में भी उनका काफी योगदान रहा। इन्हीं सब कारणों से आज उनकी श्रद्धांजलि सभा श्रीधर बाबा दरोगा प्रसाद राय इंटर कॉलेज में भेल्दी में बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले मनाया गया। साथ ही उनके जीवन पर प्रकाश डालने का काम किए, जिसमें मुख्य रूप से जिला से आए परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर, पूर्व प्राचार्य अंबिका राय, मुखिया अमरेश राय, सुरेश रंजन, शिक्षक मुखिया रमेश राय। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से शिक्षक संघ अध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर सिंह, रामानंद पांडे, मुन्नीलाल सिंह, पूर्व प्राचार्य अंबिका राय, संजय मिश्रा, निषाद शिक्षक अजीत पांडे, राम प्रवेश पंडित, मुखिया रमेश राय, शिक्षक अनंत देव हरवंशी, शिक्षक विनय कुमार राजत के जिला अध्यक्ष सुनील राय एवं शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। आज एक शिक्षक की सर श्रद्धांजलि सभा में आप आए थे, क्या कहना है? देखिए, ये तो दुर्भाग्य है मनोज जी, हम लोग के बीच से चला जाना उनका, काफी क्षति हुई है। नौजवान शिक्षक थे, कर्मठ थे, और मैं यह कहूँगा कि सरकार जो है शिक्षकों के प्रति असंवेदनशील है। एक रोड का व्यक्ति मरता हो उसको भी 4 लाख रुपया, और हमारा शिक्षक का आकस्मिक दुर्घटना या मौत होना उसको भी 4 लाख रुपया, यह कहीं से जायज नहीं है। हम लोग लगे हैं, हमारे संगठन के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग लगे हैं कि उनके परिवार को भी हम लोग आर्थिक सहायता करें, लेकिन सरकार से हम मांग करते हैं कि कम से कम नियोजित शिक्षकों की असामयिक जो घटना दुर्घटना होती है उस पर 25 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया जाए। क्या नाम पड़ेगा जी? समरेंद्र बहादुर सिंह।